एक सुहानी सी जगह में आपका स्वागत है इस जगह को पूरा ब्लॉक से बनाया गया है और हाईलाइट वेलकम बैक टू वीडियो और आप देख रहे हैं फॉर गेमर्स और आज की हम गेम ट्राई करने जा रहे हैं ब्लॉक क्राफ्ट थ्री डी सो इस गेम में बेसिकली हमें चीज़ें क्राफ्ट करनी होती है वो पूरी ही पूरी इन स्क्वेयर जैसे ब्लॉक से और अभी मेरा टाइटोरियल चल रहा है ओके okay. और अभी हम इन्वेंट्री खोलना सीख रहे हैं मतलब जो कुछ भी है इसमें ये इसके अलग अलग टाइप के ब्लॉक से क्या ओके okay. एक ब्लॉक लगाने को हमें बस उसे टैप करना है और उसे होल्ड करना है उसे रिमूव करने को ओके okay. यहाँ से हम अपना विलेज स्टार्ट कर सकते हैं सो गाइस बेसिकली इस गेम में ये सारे स्ट्रक्चर्स क्राफ्ट करके अपने विलेजेस में लाइक्स कमानी होती है मतलब लाइक्स ही कमानी होती है मैंने इस गेम को पहले बड़े बार खेला हुआ है और मेरे इसमें कुछ विलेजेस भी हैं मैंने उनका नाम रोमिनोस रखा था शायद सो so इस ये हमारी एक गेम प्ले सीरीज़ ही होगी मतलब चिंता ना करो अगले फ्यूचर में भी इसके और पार्ट्स आते रहेंगे सो so, अभी ये लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैं इस गेम को पता नहीं कितने सालों बाद खेल रहा हूँ आज फिर से लेट सी अब इस गेम में कितने अपडेट्स आए हाँ हैं ओके okay, इज आ रे वेल के साथ स्टार्ट हो रहा है ठीक है ये वेल बनाना सबसे बेकार चीज लगती है इसके अंदर कुछ नहीं होता है ये तो बस टेम्पररी काम है अच्छा अब इसमें ऐसे भी होने लगा वाह अब यहाँ देखो अरे चुप रहे यार मतलब बनाना ही पड़ेगा उसके बिना कहीं नहीं घूम सकते हम है ये लो यार पकड़ो अपना खुश अब मैं दिखा दू तुम छा तो ये रहा ना हमारा वेल इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है मतलब इस गेम में यार ज़्यादा कुछ खास लॉजिक नहीं है ओके अब हम और भी इससे चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं शायद ओके इसका मेन्यू अब ऐसा हो चुका है पता नहीं पहले कैसा था जो भी अब हम यहाँ पर एक वर्कशॉप ओके मैं इसको ड्रैग करके किसी भी जगह बना सकता हूँ ठीक है गाइज़ सो लेट स्टार्ट बिल्डिंग इट ओके गाइज़ पता नहीं मैं कहाँ चढ़ चुका हूँ मतलब जहाँ जहाँ ये ब्लॉक्स आ रहे हैं मुझे उधर उधर टैप करके इस हट मतलब वर्कशॉप को कंप्लीट करना है ठीक है गाइस जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं हम और अपनी वीडियो में आगे मूव करते हैं और गाइस मैं ट्राई करूँगा इस विलेज को भी मेरे पुराने विलेज की तरह एक हज़ार लाइक्स ऊपर मिल जाए वैसे मैं अभी आप आपको अपना पुराना विलेज भी दिखाता हूँ ज़रा क्या उसी से कुछ आइडियाज़ ले लूँ और आप उसे जाकर प्लीज़ लाइक कर देना ओके लेट्स बिल्ड इन वे टैप द बटन ओके जल्दी ऊपर चल ओके अब हम एक और हट बनाने जा रहे हैं ये वर्कशॉप के साथ ही बनाते हैं ये हमारा हट है अच्छा फ्री में बना सकते हैं हमें जेम्स यूज़ करके ठीक है जीरो जेम्स यूज़ करके हमने ये हट भी बना लिया ओके गाइस फाइनली हमारा ये सब कम्प्लीट हो चुका है अब हम अपने विलेज में चलते हैं मतलब कि जो मेरा पुराना विलेज है अपना विलेज नाम ले लो उसको खैर मैं आपको उसका नाम दिखा देता हूँ लाइक वे टॉप हुई ओके ट्रेंडिंग वेजेस ओके मुझे अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना पड़ेगा ये गेम रियली बहुत इंटरनेट खाती है तो मैंने ऑब्वियसली उसे ऑफ किया हुआ था और यहाँ चल रहा है हमारा डाउनलोडिंग डेटा ओके ये सारे ट्रेंडिंग वेजेस सेवेंटी टू के लाइक्स पता नहीं इतने लाइक्स लाते कहाँ से एनी वेज गाइस जो कुछ भी होता है अब सहना तो पड़ेगा एनी वेज मैंने अपने विलेज का नाम क्या रखा था हाँ याद आया रोमिन ये था मेरे विलेज का नाम ओके okay, मैंने इसको यहाँ टाइप कर दिया मैं जो भी इस गेम में विलेज बनाता हूँ मैं उसका नाम ही रखता हूँ और ऐसे पाँच दस विलेजेस हैं जो मैंने बनाए हैं इनमें से एक हज़ार दो सौ दो लाइक्स वाला मेरा है ये फोर्टी टू लाइक्स वाला भी ये वाला मेरा नहीं है डेविड रोमेन आई डोंट नो ये किसका है ओके ये नौ लाइक्स वाला ही मेरा ही है पता नहीं कब बनाया है ये सेवन लाइक्स वाला भी मेरा ही है और ये चार लाइक्स वाला भी मेरा ही तो मैंने इस चार लाइक्स वाले विलेज को मैंने बिल्कुल सिंपल ना है मतलब इसमें मैंने कोई भी बाहर वाली क्रिएशंस नहीं की मतलब कुछ और ही ओके okay, इनके अभी ये सब रिफ्रेश हो रहे हैं अरे मेरी फिर पिक्चर्स कहाँ गई सिर्फ इसी वाली क्यों रही छोड़ गाइस अभी इनको नहीं देखना हम अपना गेम प्ले अभी देखते हैं तो जल्दी से जाकर पहले मैं इस गेम की ना सेटिंग्स चेंज करता हूँ क्योंकि यार प्रॉब्लम होती है फिर इसमें बहुत ज़्यादा डे नाइट साइकिल में ना मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि गाइस इस प्रॉब्लम एक कि, guys, है कि बहुत ज़्यादा आती है कि जब रात हो जाती है यहाँ पर एकदम गुप अंधेरा होता है और भेड़िए मेरे बनाए वेल के पास तू क्या कर रहे हैं निकल यहाँ से तुझे इजाज़त किसने दी आने की ओके गाइस सो सबसे पहले हमने क्या करना है एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढनी है और वहाँ पर अपना घर बनाना है तो अब घर बनाने के लिए मैं कोई लोकेशन ओके okay, यहाँ पर बहुत से सैंड है ये तो कोई बीच टाइप लोकेशन है ओके सो so गाइस यहाँ पर बड़ा सा ये एरिया है इधर ही मैं अपना घर बनाऊँगा सो so, सबसे पहले देखते हैं कौन से ब्लॉक्स हैं यहाँ पर ओके okay, मैं ये ब्लू वाला बड़ा सही लग रहा है इसको लेता हूँ एक है ग्रीन वाला येलो और रेड ओके गाइस सो सबसे पहले मैं अपने घर की बाउंड्रीज डिसाइड कर लेता हूँ कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा ओके okay. सो इन ब्लॉक से मैं बाउंड्रीज डिसाइड करूँगा अपने घर की ठीक है सो so, अब मैं जल्दी से आपको बाउंड्रीज बना देता हूँ आपको बाउंड्रीज नहीं बनाए तो मतलब आपके लिए बाउंड्रीज बना तो तो इन ब्लॉक्स को भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा ये घास फूस जो इन्होंने यहाँ लगाई है अरे हट जा भाई क्या चल रहा है यहाँ पर ओके गाइस सो भाई लोग अभी हमारे घर की बाउंड्री डिसाइड हो चुकी है और मैंने इसको इन ब्लू ब्लॉक से मार्क भी कर दिया लेकिन ये गधा यहाँ पर क्या कर रहा है भगाओ इसको और डमकी निकल ये यार ये बड़ा इनका खराब सिस्टम है चले उतने हर वक्त अरे निकल मेरे घर से तू यहाँ क्या कर रहा है शक्ल देखी अपनी सो गाइस आई डोंट नो ये गधा है घोड़ा है क्या है एनीवेज सो गाइस अभी ये मुझसे डर के भाग रहा था अचानक रुक गया अरे भाई मैंने इसको मारने की कोशिश की माइनक्राफ्ट की तरह लेकिन मैं तो इसके ऊपर ही माड़िया एनी वेज गाइस इस घोड़े को हम अपने वहाँ वाले घर के अंदर छोड़ के आते हैं और ये गाड़ी के हॉर्न कहाँ से बज रहे हैं यहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती क्या एनी वेज़ इस घर के अंदर इसको घुसा देते हैं अरे घुसता घुस गुछ जाए ये भी नहीं घुसेगा ओके इस कुएँ के अंदर गिरा दो सो गाइस मैं इस घोड़े के ऊपर राइड कर सकता हूँ मैं इसको अपने इस घर के अंदर ही कैद कर लूँगा मैं तो कहता हूँ ताकि फिर हम इसे कभी भी राइड कर सकें ओके एनी वेज इसको अभी छोड़ देते हैं हम अपने घर की बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं सो so गई जैसा कि मैं कह रहा था मैंने अपनी बाउंड्रीज तो या मार्क मार्क कर दी हैं लेकिन उस बाउंड्री के अंदर ये घास फूस जो लगी अब हमें इसे रिमूव करना है उसके बाद हम अपनी फ्लोरिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर दीवारें खड़ी कर देंगे जिससे कि हमारा घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और फिर वो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगेगा सो so, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ जल्दी से सो so, गाइज़ अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने रास्ते में आने वाली ये सारी घास फूस वगैरह हटा दी और मुझे ये सब करते हुए पूरा आधा घंटा हो चुका है एंड लिटरली मैंने अपने हाउस की बाउंड्रीज बना दी और ये क्या है यहाँ पर ये क्या चीज़ है कलेक्ट ओके सो गाइज़ ये वाटर है और इसको हम लेवल थ्री में कलेक्ट कर सकते हैं आई डोंट नो ये कोई सर्वाइवल गेम है क्या जिसमें हम वाटर कलेक्ट करके हम उसे पी सकते हैं एनी आई डोंट नो अबाउट इट ये कोई सर्वाइवल गेम है ये नहीं पर ये क्रिएटिव गेम ज़रूर है आई नो अबाउट इट एनी वेज अब हम यहाँ पर अपनी फ्लोरिंग शुरू करते हैं और फ्लोरिंग के लिए हमारा बेस्ट ब्लॉक होगा अपना ये वाइट वाला ठीक है सो so, गाइज अभी हम अपना कोई और ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है और इस साइड में भी मैं कोई अच्छा सा ब्लॉक लेता हूँ ये वाला सही है सो so गाइज मुझे अभी अभी एक आइडिया आया क्यों ना हम एक ऐसा फ्लोर बनाए जो कि बिल्कुल एक चेस बोर्ड की तरह लगता हो जैसे कि देखो एक चेस बोर्ड में ये होता है ना कि हम एक ब्लैक ब्लॉक होता है और एक वाइट ब्लॉक सॉरी मैंने यहाँ येल्लो लगा दिया तो वैसा ही हम यहाँ पर एक फ्लोरिंग करते हैं और इसके बाद मैं आपको एक पूरा फ्लोर कंप्लीट करके दिखाता हूँ सो गाइज अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक ब्लॉक्स की एक पूरी लेयर लगा दी अब मैं इनके बीच में ठोकूंगा ये वाइट ब्लॉक्स जिसकी वजह से पूरा चेस का फ्लोर लगेगा और अब ये बीच में बहुत सारा काम करना है क्योंकि हमारे घर की बाउंड्री इतनी बड़ी है तो अब फटा फटाफट से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ सो क्या अभी जैसा कि आप देख सकते हो हमने आधे ज्यादा काम कर लिया और यहाँ अभी ब्लॉक लगाने हैं ब्लैक वाले और इसको बनाते वक्त सच्ची में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी मैं बता नहीं सकता क्या हो रहा है मेरे दिमाग में चल के आ रहा है इतना ज़्यादा काम पड़ चुका है यहाँ फ्लोर बनाने का लिटरली यहाँ पर बस ब्लॉक्स लगाए जा रहे हो मैं समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है और यहाँ तो एक तो ये नहीं पता लग रहा कि ब्लॉक्स किस जगह लगाने हैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है गाइस सो पर घर अच्छा बनाना है तो ऑब्वियसली ये सब तो करना ही पड़ेगा सो गाइस जल्दी से चलते हैं हमारा फ्लोर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हमें अपनी दीवारें भी खड़ी करनी है तो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा काम है और दीवारें खड़ी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हमारा घर इतना ज़्यादा बड़ा होने वाला है कि पूछो मत सो so गाइस अभी हमारा फ्लोर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब इन गड्ढों में हमें सिर्फ ब्लैक ब्लॉक्स लगाने हैं और एक यहाँ वाइट भी बच गया चलो इसको भी हमने भर दिया है एंड गाइस हमारा फ्लोर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा चेस का फ्लोर लग रहा है लिटरली हम यहाँ चेस खेल सकते हैं इधर हाथी हाथी लगाओ कहाँ चले गए सब देखते क्या इन ब्लॉक्स के में चेस के पीसेस भी हो लेकिन नहीं गाइस सिर्फ ब्लॉक्स ही हैं ओके यहाँ पर कुछ और भी है रेयर आइटम्स और ये सब क्या है ये टेबल कुर्सी ओके आ, हमें इसे अनलॉक करने को लेवल थ्री पे होंगी अनलॉक ठीक है और यहाँ पर कुछ बेड बेड भी वगैरह भी रखे ओके ये एनिमल्स भी हैं ये क्या चीज़ है ये हॉर्स ही है ना हाँ मैं तो इसको डोंकी समझ रहा था इतनी बेहुदा शक्ल है इसकी क्या बोलूँ खैर गाइस और ये टाइगर है तो बिल्ली लग रहा है पूरा खैर जो भी गाइस हमारा आज का फ्लोर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अब जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो चैनल चाय वीडियो को, को लाइक कर दो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और मैं दूसरे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों में तो जल्दी से जाओ उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अब मिलेंगे अगली वीडियो में और अपनी अगली वीडियो में हमने दीवारें भी खड़ी करनी है इसमें So goodbye